जी मैं संदीप जैन, जनरल सेक्रेटरी जैन सभा जम्मू कश्मीर, हमारे उप प्रधान राजीव जी, हमारे मंत्री लक्की जी, हमारे युवक संघ के उप प्रधान नीरव जी, हमारे जीव दया चैरिटेबल सोसाइटी के प्रधान संदीप रोमपी जी, हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें हम जो कल एक सेमिनार आयोजन कर रहे हैं अपने नमा जैन स्थानक बहु प्लाजा के अपोजिट, जो हमारा जैन स्थानक है जैन मंदिर के साथ, वहाँ पर श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो एक नेशनलिस्ट थिंकर स्पीकर हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है यहाँ पर लेक्चर के लिए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये था कि हम सभी जम्मू के अपने साथियों को, अपने नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी सोच वाले साथियों को आमंत्रित करें कि यहाँ पर आएं, उनके विचार सुने, अपने विचार रखें और अपना माइंडसेट इतना मजबूत करें कि हम अपने नुमाइंदों को तैयार करके भेजें, उनसे प्रश्न करने का हमारे पास एक मुद्दा हो, एक टॉपिक हो, कि जब हमारे पास वोट मांगने आए तो हम उनसे स्पेसिफिक बात कर सकें कि ये जो कानून है जिनसे हमारा भविष्य असुरक्षित हो रहा है उसको किस तरह से बदला जाए, ताकि पार्लियामेंट में या असेंबली में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जाए वो हमारा कार्य कर सके, हम दबाव बना सकें। धन्यवाद। ओके आप क्यों दोगे, मैं शुरू करूं? पहले तो मीडिया पर्सन्स का मैं धन्यवाद करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आप यहां पर पहुंचे। हम जैन सभा की तरफ से कल एक सेमिनार आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे युवा संघ, जैन युवक संघ और जैन तरणी मंडल साथ में मिलकर 17 तारीख कल रविवार को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जो एक नेशनलिस्ट थिंकर और स्पीकर हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है जम्मू। और कल 3 बजे बहु प्लाजा के अपोजिट हमारा जो नमा जैन स्थानक है वहाँ पर ये कार्यक्रम रहेगा। और आपके माध्यम से मैं जम्मू के सभी युवाओं को, नेशनलिस्ट को, राष्ट्रवादी लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि कल पहुँचे 3 बजे, पुष्पेंद्र जी का जम्मू की नगरी में स्वागत करें, उनके विचार सुने और अपने विचार विमर्श उनके साथ करें, वो भी मौका मिलेगा, इंटरेक्शन भी मौका मिलेगा। एक संक्षिप्त में, जिन्होंने पुष्पेंद्र जी को सुना है उनको तो पता है वो किस किस टॉपिक पे उठाते हैं, लेकिन कल का विशेष उनका जो रहेगा वो किस तरह से कई ऐसे कानून, कई ऐसी भारत में चल रही व्यवस्था है जिससे हमारा भविष्य अंधकार में हो रहा है, और किस तरह से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो असेंबली लेवल हो चाहे पार्लियामेंट लेवल हो, उन पे प्रेशर बनाकर उन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे युवाओं का भविष्य सुनिश्चित हो। अब जम्मू में आप देखिए कि जम्मू सिटी में आज की डेट में अगर कोई प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है तो आपको वक्फ बोर्ड से एनओसी चाहिए। ये एक ऐसा, एक प्राइवेट बॉडी से, जो एक सरकार की बॉडी नहीं है, उससे एक आम व्यक्ति को जाके अपनी निजी प्रॉपर्टी का एनओसी चाहिए। सरकार से एनओसी लेना एक अलग बात है, लेकिन एक प्राइवेट रिलीजियस बॉडी से किस लिए एनओसी चाहिए? और ये सिर्फ जम्मू नहीं, भारतवर्ष में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है। और इन चीज़ों को लेकर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेके, और किस तरह से कई लोग सतह पर रहते हुए आम नागरिकों की तरह पर कार्य ऐसे कर रहे हैं कि जिस तरह से देश और समाज का बंटवारा हो, उन लोगों को उजागर करने का कार्य पुष्पेंद्र जी करते हैं। और उनका कल जो सेमिनार होगा, जो लेक्चर होगा, वो जम्मू के युवाओं के लिए, सभी संगठनों के लिए, हमारे जितने जम्मू में सामाजिक संगठन हैं, एनजीओज हैं, उनसे एक हमारा निवेदन है कि कल यहाँ पर पहुँचें और उनके विचार सुनें।